देते थे, घेर देते थे। ठीक है, आज देखेंगे इटली का एक ही करा, इटली को एक कर देंगे ना। कल क्या देखे थे, सुनना है, डिस्कस ज्यादा नहीं करना है, जो पॉइंट बोलेंगे इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा वो, है ना, ध्यान रखना उसको। अब देखो कल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, कल देखे थे इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया। इटली और जर्मनी का जो उदारवादी था, समाज में जन असंतोष हुआ, मतलब क्या जन असंतोष का मतलब, संतुष्टि नहीं था राजा से ना, राजा संतुष्टि नहीं था, तो मन में क्रोध पैदा होगा ना, उसी को थोड़ा सा उदारवादी नेता क्या किया, और उकसाया, और उकसाया उसको, प्रोत्साहन किया, हम कर सकते हैं, हम कर सकते, तुम लोग भी कर सकते हो, उसको बताया लोकतंत्र का फायदा क्या होता है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, मस्ती से घूमते हो, कोई टेंशन नहीं है, आज से 6 साल पहले ये सब बात नहीं होता था, न घूमता तो अंग्रेज पुलठिया था, पुलठा से पुलठिया देता पकड़ करके, न पिटता भी था, तब ना फांसी पर चढ़ा भगत सिंह सब, जो भी नेता देखते हो इसी कारण से ना जी, बुरा स्थिति तब ना चढ़ा फांसी पर, आजकल देखते हो जो गलत काम करेगा ना उसको फांसी चढ़ने में 10 साल लग जाता है, अब वहाँ तो तुरंत चढ़ा था 4-5 दिनों में न, चलो ठीक है, दिन पहले चढ़ा। अब पढ़ेंगे इटली की करण, सुनो, इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, मतलब 19वीं शताब्दी का मतलब 1801 जब शुरू हुआ तब का बात कर रहा है, शुरुआती वही हुआ, तो मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, मतलब इस प्रकार से, जो भौगोलिक मतलब जमीन तुम्हारा, मतलब इस प्रकार से था, हाँ एक गांव है ठीक है, मतलब इस प्रकार से समझ सकते हो, है ना, जहाँ कोई स्वतंत्र राज हुआ, जहाँ कई स्वतंत्र राज हुआ करते थे, जैसे भारत में इस क्षेत्र का राजा कोई है, उस क्षेत्र का राजा कोई और है, तो इटली में भी पहले इसी प्रकार से था, इस क्षेत्र का राजा कोई और है, उस क्षेत्र का राजा कोई और है, पूरा इटली एक नहीं था, जैसे मैप में हम लोग अभी देखें वैसा इटली नहीं था, बात समझ में आएगा ना, हमको क्या करना है, इटली के एकीकरण का मतलब है सब राजा को हटा करके या सब राजा के मत से सबको राजा को एक मिल जाएगा और एक देश बनेगा इटली जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी को इटली के एकीकरण कहते हैं, और यही एक कैसे हुआ, राजा कैसे हटाए या क्या हुआ नहीं हुआ, उसी की कहानी आगे हम लोग देखने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे समझ में आ गया ना, चलो, इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी, किसकी भावना थी जी, अलगाव, सबका मत अलग अलग था, सबका मत क्या है अलग अलग, अभी देखते हो इस नेता के पार्टी में कोई और है, उस नेता के पार्टी में कोई और है, तो अलगाव भावना है दोनों में, ऊ चाहता उन्हें जीते, ऊ चाहता है उन्हें जीते, तो उस समय भी वही था, आज से 100 साल पहले, लगभग 200 साल पहले, इटली के एक राष्ट्र के रूप में, है ना, अच्छा यहाँ पर फिगर है, यहाँ पर इटली पहले कैसा था वही फिगर दिखाया गया है, समझ में आ गया ना, इटली कैसे था वही फिगर दिखाया गया है, अभी इस मैप में भी देख रहे हो ना, इस मैप में फिगर है, ये पूरा जो मैप देख रहा है इटली का, ये पूरा मैप पहले वाला है, यही इटली का मैप पहले वाला है, बिखरा वाला, ये है ना, ये पूरा मैप दिख रहा है ना, ये पूरा मैप कहाँ का है जी, इटली का, पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा हुआ, अब क्या करना है सबको एक करना है, क्या करना है सबको एक कर देना है, सारा ये जो मैप में देख रहे हो सबको एक कर देना है, इसी को बोलेंगे इटली का एकीकरण, लिखा है ना इटली के पूर्व, एकीकरण के पूर्व इटली, लेफ्ट वाला है ये, जो लेफ्ट वाला है ना ये एकीकरण के पूर्व इटली है, और राइट में एकीकरण के बाद इटली, देखो क्या समझ कुछ आया जी सर, अलग अलग है, अलग अलग राजा का है, उसको बताया लोम्बार्डो वेनेसिया सोन मरीना पेपल राज, अलग अलग सब है, एकीकरण के पूर्व इटली है लेफ्ट में, और राइट में क्या देख रहे हो, एकीकरण के बाद इटली, पूरा जो देख रहे हो रंगल का वाला, एक कलर से कौन कलर है, ब्लू कलर है, नहीं नीला कलर है, नीला, तो ये पूरा सब इटली ही है जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, बगल में स्विट्जरलैंड वीना ट्यूनिस है यहाँ पर, बोलो समझ में आ गया, इसलिए आप तुम्हारा जाता वो किताब फर्जरी वाला क्या चलता पता उसमें, एक और तीन पता चलता, तब फिर आजकल इतना फर्जरी हो गया है, ओरिजिनल बुक मार्केट नहीं मिलता, डुप्लीकेट मिलता है सब, थोड़ा सा प्रेशर हटा के रखो, टूट जाएगा इसे, हाँ इसको रखो आगे,
ने मोबाइल में यूट्यूब पर कभी देखा था लेक्चर डाले थे तो आया था तो पता चलता है उसमें एकदम इतनी बड़ा स्क्रीन है इसमें कोई दिखते नहीं होना चाहिए तुम लोग को तो है इतना लंबा स्क्रीन है सीधा देखो एकदम से। अब देखो क्या हुआ, स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्या भी थी। भौगोलिक समस्या मतलब अलग अलग जगह का राजा अलग अलग व्यक्ति था तो समस्या तो एक होने में आएगा ही ना, इतना आसान से सब थोड़े सब आदमी का मत एक मिल जाएगा। कोई थोड़े सोचेगा हम जो राजा अभी मस्ती कर रहे हैं मज़ा मार रहे हैं दूसरा मतलब एक आदमी हो पूरा देश पर तो उसका मजा बंद किरकिरा जाएगा ना जी। तो बहुत दिक्कत हुआ, बहुत समस्या हुआ इटली को एकीकरण होने में, इटली पूरा इटली को एक होने में जो इटली अभी हम लोग देख रहे हैं। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का अस्तित्व था, पीछे देखे थे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस वहाँ का राजा शासक था वो इटली को उंगली करता था, उसके इशारा इटली नाचता था, जैसे कहता था वैसे करता था। पढ़े थे हम लोग ने, पढ़े थे, आज भी वही होता है। पाकिस्तान को उंगली करता है चाइना, उसके इशारा पर नाचता है। पैसा नहीं रहेगा तो कोटरा लग जाएगा इमरान खान, हुजूर $1 million दीजिए ना, $2 million दीजिए ना, स्थिति खराब है ना। अब कमा के देगा, जमीन देगा, एगो जमीन दिया है ना चाइना भी, अपना इंडिया का जो हड़प्पा था जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट अभी चाइना को दे दिया है। चाइना को दिया है पाकिस्तान दे दिया तो, कब का दिया है, आज दिया है। कर्जा डूबेगा नहीं देगा तुम जमीन, गाँव में टोका लेता किसी का तो नहीं कहते जमीन ले लेंगे। यही बात तो वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है जो तुम गाँव में देख रहे हो, इस प्रकार समझो जो गाँव हो रहा है ना यही होता है दुनिया में। टका किसी का ले लिया ना बहुत, क्या का जमीन है ना तुमको ले लेंगे, कहता है जमीन ले लेंगे। हाँ जी सर यही बात होगा, दूसरा देश को तुम कर्जा बहुत दिया है ना, कर्जा दिया ना बहुत नहीं दे पाया, तुम्हारा जमीन ले लेंगे, अपना सेना उतार देगा वहाँ पर, उसका सेना है धीरे धीरे पूरा जमीन तोरा हड़प लेगा। आजकल गाँव में होता है कहीं को देगा तो और हड़प लेगा, तुम निर्वल हो कुछ कही नहीं पाएगा। ऐसा ही हो रहा है अभी चाइना भी ऐसा ही कह रहा है, डेप्ट तरफ पॉलिसी सुना होगा न्यूज में। अब बोलो हकीकत जो हो रहा, विदेश को समझना होगा ना क्या दुनिया में हो रहा है, बहुत आसान है। गाँव में समझ लिया तो वही विदेश में हो रहा है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। यही विदेश नीति है, जो गाँव में हो रहा है वही क्या है विदेश में हो रहा है। एक आदमी दूसरे से कॉन्टैक्ट रखेगा बढ़िया, मुखिया से रखेगा बढ़िया संपर्क, वार्ड से रखेगा बढ़िया संपर्क, फायदा मिलेगा। वही बात है, एक देश रखेगा ताकतवर संपर्क, फायदा मिलेगा उसको बढ़िया। यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, यही बात है, कुछ नहीं विदेश नीति है, यही सिंपल समझाते हैं डालती को। गाँव समझ लो बढ़िया से क्या हो रहा है, वही है विदेश। किसी को दुकान जाते हो सामान लेने के लिए, 2% कम देता है उसी में जाएगा लेने के लिए, वही बात है। तुम 2% बेसी मान लो लिया है सामान दिया है बढ़िया तो उसी से लेंगे हम लोग नहीं। अब कोई चाइना के लेगा परक्का फूस दे के मारेगा, वही लेगा अमेरिका से तो बढ़िया मिलेगा, बढ़िया से आवाज़ करेगा, वही मतलब परक्का से समझ सकते हो। बम आजकल जो बम तम मिसाइल चलाता है ना, हम लोग रशिया का लेते हैं सामान, का रशिया का सामान बढ़िया होता है, टका लगता है बढ़िया, थोड़ा सा सामान भी बढ़िया मिलता है। चाइना से लेते हैं का है, उसका फूल जरी है चाइना का न, हाँ वैसी रशिया कहा जाता है। अमेरिका ईरान को बंद कर दिया है सब चीज़, हाँ कहे देगा उसको जी सर, उसको चलाने ही नहीं आता है ना, चलाने ही नहीं आता है उसको, तो देगा किया अपने जहाज में मार देगा, अटैक कर देगा सर, एक बार अपने उसको भी, अरे एरोप्लेन को भी एक बार दो बार मार दिया, उसको पता ही नहीं था कि मेरा ही है, उसी को उड़ा दिया अपना लूंगी कुछ नहीं। उसमें उसमें कनाडा का भी कुछ व्यक्ति था, कुछ ईरान का भी था, कुछ दूसरे जगह का भी था व्यक्ति, बहुत दिन पहले एक बात तभी नहीं तुम पढ़ा है ना, बहुत दिन पहले एक बात बता रहे हैं, उसी को उड़ा दिया, उस पर यूएन बैन लगा दिया है, क्या करोगे काका है सबका यूएन ना, सऊदी अरब कहा तो इसलिए सऊदी अरब उसका संस्थापक मेंबर है, यूएन सबका बाप है, समझना गया ना, बड़का बड़का देश में 5 मेंबर है, बताएंगे कभी पढ़ना होगा कुछ भी। अब चलो नहीं तो इटली कहेगा पढ़ा रहा है यूएन तुएन दे रहा है। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्य संभावी था, बात सही है ना। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी, अब रोम किसके प्रभाव में था जी, पोप के प्रभाव में ना, पोप की इच्छा थी कि इटली के एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासक नेतृत्व में। आजकल अपने लोग का पंडित जी और वहाँ का पोप, वही पंडित जी उसका है जी, वो क्या चाहता था इटली जो मतलब इटली का एकीकरण होगा ना मेरे देखरेख में हो और धर्म के आधार पर हो,
जो अभी धर्म के नाम पर ठगता है, तुम हिंदू हो लड़ा देगा तुमको मुसलमान से, कुछ भी नहीं होगा इससे। किसी के ने भला हुआ तुम्हारा भला होगा, तुम यादव हो उससे लड़ा देगा, कुछ नहीं होगा इससे। आज से 200 साल पहले यही बात हुआ था। इतिहास अपने आप को दोहराता है। पोप क्या चाहता था? पोप कौन है? डकैतों का सरदार था। वो चाहता था कि धर्म के आधार पर हो, ताकि सबको लड़ा लगा करके हम अपना मस्ती करें। जी सर। लेकिन वहाँ का जो राजा था वो ऐसा चाहता नहीं था। वो चाहता था मेरे नेतृत्व में हो, बात समझ में आ गया ना, शासकों के नेतृत्व में हो। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां मौजूद थी। आर्थिक मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिक, और प्रशासनिक मतलब थोड़ा सा पुलिस प्रशासन से कह सकते हो, इसी में भी थोड़ा सा दिक्कत था, प्रॉब्लम था वहाँ। विसंगति मतलब दिक्कत आना, डाइवर्सिटी, बात समझ में आ गया ना। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। किसका विकास हो रहा था? राष्ट्रीयता का, राष्ट्र के प्रति भावना प्रकट हो रहा, इच्छा प्रकट हो रहा था न। फ्रांस में होने वाले घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। देख, कल हम लोग पढ़वे किए हैं फ्रांस में क्या क्या तख्ता पलट हुआ था, नहीं पढ़े हैं 2-3 राजा के बारे में। उसका प्रभाव तो पड़ोसी पड़बे न करेगा ना, इटली पर भी पूरा प्रभाव पड़ा। किसी ने कहा है फ्रांस जब छिकता है ना तो पूरा यूरोप को सर्दी धर लेता है, बताएंगे ना। वही बात है, जब फ्रांस से है वहाँ में वही कुछ हुआ, उथल पुथल राजनीतिक कारण, समझ में आ गया ना, राष्ट्रवाद, उसका प्रभाव पूरा यूरोप में पड़ा। उसी के प्रभाव कारण उससे कुछ सीखा यूरोप, फिर इटली राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ने लगा। और 19वीं सदी के आरंभ में ही राष्ट्रता का विकास होना शुरू हो गया था इटली में। कुछ समझ में आ रहा इतिहास? जी सर। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन क्या किया था? सब जगह अटैक करके अपने में मिला लिया था, यही नेपोलियन क्या था ना। तो थोड़ा सा शुरू में नेपोलियन अच्छा आदमी था, तब ना उसको अच्छा आदमी कहा गया है, सम्राट ना इस प्रकार से। तो उसमें नेपोलियन क्या किया था कि पहले के समय में जो व्यवहार होता था ना, इस गांव से दूसरे गांव में तो टैक्स लगता था, नेपोलियन इसको तोड़ दिया, थोड़ा सा न्याय दिया ना, आदमी थोड़ा सा क्या दिया, न्याय, मतलब कह सकते हो फ्री फैन कर दिया, थोड़ा सा आदमी को फ्री कर दिया। तो इसके कारण फ्री करेगा तो आदमी थोड़ा सा मनोबल ऊँचा हुआ है ना। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन जब इटली पर विजय किया था, अपने कब्जा में इटली को नेपोलियन किया था, तो नेपोलियन इसे 3 गणराज्यों में गठित किया। कितने गणराज्यों में गठित किया? 3 भागों में बांटा था, तीनों में उसको गठित किया पूरा इटली को। कौन कौन है? यथा मतलब होता है जैसे, जान लो यथा मतलब क्या होता है, जैसे। कौन कौन गणराज्य बांटा था पूरा इटली को नेपोलियन? सिस्पाइन गणराज्य बांटा था, लिगुलियन गणराज्य बांटा था, और ट्रांसपोर्ट गणराज्य में बांटा था। समझ में आ गया ना, ये 3 गणराज्य है, इसमें 3 गणराज्य में नेपोलियन जब इटली पर विजय पाया था ना, उसको 3 गणराज्य में बांट दिया था। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया, बोले ना बिजनेस जो है ना, बिजनेस व्यापार, उसको भी चुस्त दुरुस्त, रोड को बना दिया बढ़िया थोड़ा सा, ताकि आदमी व्यापार करने में दिक्कत नहीं हो, तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। क्या किया? संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन ला लिया, टुकड़ा में नहीं किया, 3 भाग मटा ना, तो एक भाग एक राजा। पहले तो और थोड़ा सा अलग लगता है, कहीं कहीं टुकड़ा का खबर आता है और दिक्कत होता है जी, सबके मत में और मतभेद होगा, नहीं होगा। कहता है मालिक मनो एक गो, 10 महीने का 10 बात होगा, कम नहीं होगा, बढ़िया कहता है इनको घर में, वही बात है, मालिक बनाए 3 को ताकि दिक्कत नहीं हो। अच्छा, इन सभी कारणों से जो नेपोलियन वहाँ पर किया था, वहाँ जागृति आई, वहाँ का आदमी जागरूक हुआ है ना, बुद्धि आया उसमें। नेपोलियन के जो पतन हुआ था 1814 में, उसके पश्चात, नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस हुआ था, देखा था, हुआ था ना 1815 में, उसके द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। जब नेपोलियन का पतन हुआ 1814 में, उसके बाद वियना कांग्रेस जो है, वियना सम्मेलन हुआ था ना 1815 में, उस सम्मेलन में यह बात क्या किया गया, इटली को
पुराने रूप में लाने का उद्देश्य, जैसा पहले इटली था वैसे इटली को दो राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया को एक कर दिया, दोनों क्या किया एक कर दिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने ले, अब बचा के दो हो गया है ना, एक एक सिर्फ बचा है लिगुनिया बचल है सिर्फ है बचल है जी, पिडमाउंट को तो एक कर दिया, सार्डिनिया को एक कर दिया। तो इस प्रकार से तुमको समझना है, यहाँ देखा था ना, क्या समझ में आ गया। अच्छा अब देखो, इटली में 1820 ईस्वी से कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। 1820 से ही इटली के कुछ राज्य में 1800 ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रहने दो वही पहले ठीक है। 1820 ईस्वी से ही इटली के कुछ राज्यों में नागरिक आंदोलन होने लगा था संवैधानिक सुधार के लिए, कि वहाँ का राजा का जो संविधान था उसमें कुछ क्या करो चेंजिंग करो, हम लोग को थोड़ा सा राहत दो। बात समझ में आ गया ना। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। अब पूछेगा इटली में एक गुप्त दल का गठन किया गया था, एक गुप्त दल बनाया चुपचाप राजा से छुप करके, उसका नाम क्या था कार्बोनरी, राष्ट्रवादियों द्वारा, किसके द्वारा किया गया अच्छा व्यक्ति के द्वारा जो राष्ट्र के हित में सोचता था उसके द्वारा किया गया। आज भी होता है नहीं होता है, आज भी गुप्त मतलब गुट बनता है जिसका उद्देश्य छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा समझ लो, छापामारी युद्ध क्या होता है सुना होगा पेपर में आता है, आज फलना शराब के अड्डा पर पुलिस ने छापामारी किया जी सर, चुपचाप किया, शराब वाले को पता नहीं था कि मेरे पास पुलिस आया, एकाएक पहुंच गया और उस पर अटैक कर दिया, सबको हथकड़ी थ्री नटा फटा दिया सबको ना, और सबका फोटो खिटो खींच लिया, इसी को कहते हैं छापामारी। तो छापामारी युद्ध में महाराणा प्रताप जो थे भारत का बहुत महान थे, वो गूगल पे भेजे हैं लिंक तुम्हारा टेलीग्राम ग्रुप में देखना पड़ेगा, गोरिल्ला युद्ध नहीं भेजे हैं लिखने, भेजे तो वो पहले भेज देते हैं जो भविष्य माने वाला है टॉपिक डिटेल में ताकि तुम पढ़ो उसको, ऐसे नहीं भेजते हैं देखने के लिए। तो छापामार युद्ध का मतलब होता है दुश्मन पर अटैक करना बिना बताए हुए, छुप कर वार करना धोखे से, जैसे चाइना करता है, चाइना करता है जी सर, पीछे छोरा भोंक देगा, इसी क्या कहते हो छापामार युद्ध। तो जो राष्ट्रवादी द्वारा एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किया गया, उसका उद्देश्य था छुप करके राजतंत्र को नष्ट करना, राजा के सैनिक पर हमला कर देंगे मार देंगे तो हमें राजा सर क्या कर लेगा, कुछ कर पाएगा राजा ना सर, वो तो सैनिक के बल पे कुदकता है ना, तो वही बात है। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी, मेजनी का पूरा नाम क्या है जोसेफ मेजनी, राष्ट्र के विषय में सोचता था जोसेफ मेजनी, किसके विषय में सोचता था राष्ट्र के विषय में सोचता था। तो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था, कार्बोनरी दल से था, जो छापामार युद्ध में शामिल था। बात समझ में आ गया ना। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से, जो फ्रांस से क्रांति हुआ 1830 में हम लोग पढ़े थे, इटली भी अछूता नहीं रह सका, उसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। देखा फ्रांस से मरा तो हम भी करेंगे जी सर, ना घर में छोटका भाई बड़का भाई को मिलता ना कपड़ा, छोटका भाई कहता हम भी कपड़ा लेंगे, वही बात है। फ्रांस में 1830 में क्रांति हुआ तो उसके पास इटली में भी हुआ नागरिक आंदोलन, बात समझ में आ गया ना, नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। अब मेजनी ने इस नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए, नागरिक आंदोलन हो रहा है ना, उस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते उसका नेतृत्व करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसका नेता बन कर करके इटली का जो है उत्तर वाला भाग, मैप में पता है कौन है उत्तर और बिचला, इटली को एक करने का प्रयास किया, एकीकृत गणराज्य मतलब लोकतंत्र सबको करने, इस प्रकार से गणराज्य मतलब जनता का शासन का करने का प्रयास किया जोसेफ मेजनी ने। अच्छा लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया। यस सर,
था ऑस्ट्रिया में, उंगली कर रहा था इटली में आकर के, और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, सब करना पड़ेगा जी, कुछ समझ में आया? यस और पढ़ेगा, मेजनी के बारे में पढ़ लेते हैं। यस ऊपर मेजनी पढ़ेंगे, मेजनी लाग जरा में ज्यादा तो अच्छा नहीं की करण का द्वितीय चरण है, ए ये मेजनी चला दीजिए पढ़ लेते हैं। अब मेजनी के बारे में देखो, मेजनी साहब के बारे में हम लोग जानते हैं, यही फोटो दिख रही मेजनी है ना, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, एक साहित्यकार भी था, लेखन साहित्य मतलब होता है एकदम ठंडा दिमाग, कुछ लिख रहा अच्छा अच्छा चीज लिख रहा, उसे क्या कहते हैं साहित्यकार, साहित्य जो लिखते हैं उसी को साहित्यकार कहते हैं, और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, और योग्य सेनापति था, देखो कितना कला था, साहित्यकार भी था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, और योग्य सेनापति मतलब सेना का जो होता है ना प्रमुख, उसे सेनापति कहते हैं। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ नहीं रखता था, मतलब जो जियो पॉलिटिक्स राजनीतिक हो रहा है वहाँ पर उसका समझ नहीं रखता था, उसको उतना समझ नहीं था, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक, मतलब अच्छा व्यक्ति अधिक था लेकिन व्यवहारिक गुण कम था, कम था, नहीं कहते हो चालू पुर्जा व्यक्ति नहीं था, ये समझ सकते हो चालू पुर्जा व्यक्ति नहीं था, क्या हो रहा है घटना को भांपने का आइडिया उसके पास थोड़ा सा कम था, लेकिन अच्छा व्यक्ति तो था, ईमानदार था ही ना, अपनी पराजय के बाद भी इसको तो भगा दिया मेटरनिक, पराजय के बाद मेजनी हार नहीं मानी, मेजनी हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था का स्थापना की, पूछेगा मेजनी ने कौन सी स्थापना किया 1831 में, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना की, अरे पढ़ा लिखा तो था साहित्यकार साथ पढ़ा लिखा हमें करेगा जी, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया, और जो इटली अभी देख रहे हो, जो इटली अभी देख रहे हो इस इटली के निर्माण में मेजनी का महत्वपूर्ण भूमिका था, था यस सर। अच्छा इसका उद्देश्य ये जो एक यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया, इसका उद्देश्य इटली के निर्माण में बहुत इम्पोर्टेंट था, और इसका उद्देश्य इटली का जो प्रायद्वीप है मतलब इटली का जो जगह जमीन है वहाँ से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना। अब जैसे इटली में उंगली कर रहा है ऑस्ट्रेलिया का राजा, चांसलर कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या था, यंग इटली नामक संस्था को स्थापना करना, विदेशी हस्तक्षेप इटली में बंद करना, फैन चलाओ गर्मी लगेगा, तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना, और क्या स्थापित करना, संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर, और फिर इटली कुछ किया है मेजनी 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था गठन कर, मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया, अपने देश में नहीं और यूरोप के जो और देश है उसमें जो राष्ट्रीयता आंदोलन चल रहा है उसको भी प्रोत्साहन दिया, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर करके, ये पूछेगा कि यंग यूरोप नामक संस्था गठन कब हुआ था 1834, किसने किया, जोसेफ मेजनी ने किया, समझ में आ रहा है, कुछ घेरा मार दिए हैं। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, हम लोग पढ़े थे कल ही 1848 की क्रांति पढ़े थे ना, तो उसमें अब फ्रांस की क्रांति पढ़े थे, तो सन 1848 में जब फ्रांस सहित मतलब फ्रांस के अलावा भी पूरा यूरोप में क्रांति का दौर आया, सब जगह क्रांति क्रांति एकदम से राजा के विरोध में आया, तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा, उसको भी ऑस्ट्रिया क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ, अब मेटरनिक भाग चुका है, अब मेजनी इटली की राजनीति में फिर हस्तक्षेप किया, अब मेजनी क्या करेगा, इटली के राजनीति में पुनः अपना हस्तक्षेप शुरू कर देगा ना, उसका फिर चहल पहल शुरू हो जाएगा ना, हम भी कुछ अब करते हैं, अब तो भाग गया है ना, इसने मतलब अच्छा काम किया इटली के लिए। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था,
इसीलिए कहा जाता है इटली के किरण में कौन बाधक था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, नहीं था बाधक वो जब भागा तो मेजनी साहब अच्छा काम करने लगे, इटली को पूरा इटली को एक गणराज्य बनाना चाहा मेजनी। जबकि सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था, जबकि सार्डिनिया पीडमाउंट जो कि एक हो गया था उसका शासक कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट। वो चाहता था कि ये सब काम मेरे नेतृत्व में हो, कौन चाहता था, चार्ल्स एल्बर्ट। वो चाहता था मेजनी तो कुछ है ना। इधर उधर उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था। पोप सोच रहा था अरे सब आजाद हो जाएगा तो हम कैसे मस्ती मारेंगे, हैं हम भी आजाद होंगे। वो कहा नहीं 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 नहीं, धर्म के आधार पर बांटो सबको ना जी सर, ताकि लड़ाई लगाने हमको दिक्कत नहीं हो, नहीं हो। डकैत है सर। इस तरह विचारों के टकराव होने लगा। पोप कुछ और चाह रहा था, पोप कुछ और चाह रहा था, चार्ल्स एल्बर्ट कुछ और चाह रहा था। लूटने किसको आया था, इस कारण क्या होगा, दोनों का मत नहीं मिलेगा। तो इस तरह विचारों के टकराव कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। अब क्या करें, अब तो बड़ा दिक्कत हो गया जी सर। नहीं, कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। अब क्या होगा, ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया, जिसमें सार्डिनिया का शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया, जनता आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई। अब क्या करेगा, और वह पलायन कर गया, चल गए और सर पढ़ा दीजिए, चुप चल रही अभी और ज्यादा जाने चाहिए। मेजनी का करते एकीकरण इतना पढ़ाएंगे, कल से काउंट कर बनाना पड़ेंगे। अब एकीकरण, अब तो एक हुआ इटली, नहीं हुआ, अब एकीकरण का द्वितीय चरण। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे। मतलब 1848 ईस्वी तक इटली का जो एकीकरण करना चाह वो क्या रहा, असफल हुआ, सफल नहीं हुआ। परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी, आदमी मतलब थोड़ा सा जागरूक हो रहा था जी सर, शिक्षित हो रहा था और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी, और आदमी के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। इटली में सार्डिनिया पिनमाउंट का नया शासक बना विक्टर इमैनुएल इमैनुएल राष्ट्रवादी। कौन बना, विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था, इम्पोर्टेंट है किस विचारधारक था, राष्ट्रवादी विचारधारा का था। और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी हुआ। जब राष्ट्रवादी भी है, राष्ट्र विषम सोचता है तो कुछ अच्छा सोचेगा ना, अब वो करेगा इटली का एकीकरण। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबुर को प्रधानमंत्री बनाया कर दिया, यानी कि विक्टर इमैनुएल जो है, जो विक्टर इमैनुएल जो है राष्ट्रवादी विचारधारा का था, है ना, उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। और अपनी नीतियों ने के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने, यानी कि विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबुर को प्रधानमंत्री, पूछेगा काउंट काबुर को प्रधानमंत्री किसने बनाया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काउंट काबुर को क्या बनाया मतलब प्रधानमंत्री। इतना समझ में आ गया, आगे का प्रोग्राम हम लोग कल।